करूंगी। यार अल्लाह, कितनी दफा कहा है आपसे कि हमें दफ्तर जाते समय ना टोका करें, ये बात आपके जहन में आती नहीं है ना? काश आज आप जल्दी घर वापस आए तो मैं आपको बता सकूं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली है, मैं माँ बनने वाली हूँ। हेलो हेलो शायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शायरा। हाँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ शायरा, बहुत। मैं भी। अरे आप आ गए, मुझे तो आपका इंतजार करते करते ही आंख लग गई थी। डेढ़ बज गई है, आपको आज भी लेट हो गया। ये क्या है मोइस, मैं रोज आपका डिनर पर इंतजार करती हूँ और आप रोज लेट आते हैं। कितनी बार कहूँ इंतजार मत किया करें मेरा, सो नहीं जाती आप। कितनी बार कहा आपसे, मुझे नींद नहीं आती जब तक आप लौट नहीं आते, दिल सहम जाता है। और आज तो मुझे आपको कुछ बताना भी। बाहर निकलो मोइस, बाहर निकलो, दरवाजा खोलो। ये एफबी पर क्या पोस्ट है, खाओ ये सब झूठ है। बाहर निकलो मोइस, बाहर निकलो। घर पे बैठे बैठे दिन भर ख्याली पुलाव पकाने की जगह कभी अपना व्हाट्सएप भी चेक कर लिया करो। तो हाजिर नासिर मानकर हमने आपसे निकाह किया था शायरा, और एक निकाह औलाद के आने से मुकम्मल होता है। हमारा निकाह मुकम्मल नहीं, और जब वो मुकम्मल नहीं तो उसे और आगे निभाने की गुंजाइश हम महसूस नहीं करते, इसलिए आपसे सारे रिश्ते हम तोड़ते हैं। अभी इसी वक्त हम आपको तलाक देते हैं। तलाक, तलाक, तलाक। या अल्लाह, इस पर मुझे औलाद नसीब हो। शब्द, शब्दों में ना नफरत समाती है ना प्यार, शब्द महज एक छलावा होता है। और ऐसे ही तीन शब्द, तलाक, तलाक, तलाक,
कैसे किसी रिश्ते का कत्ल कर सकते हैं? जरा सोच कर देखना।